तो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू खतरे में हों चाहे ना हो, लेकिन पूरे देश के अंदर हिंदुओं के बच्चों की एजुकेशन, उनकी शिक्षा जरूर खतरे में है। बाबा रामदेव अभी लगातार रिसर्च पे लगे हुए हैं और शायद उनकी रिसर्च इस हद तक पहुंच जाए कि भाई कोई ऐसा फार्मूला निकाल दे, कोई साइंटिफिक फार्मूला कि जिससे शायद पतंजलि का भी कोई गौमूत्र से गाड़ियां चलने लगे। देश के अंदर के लोगों को धर्म और जाति की अफीम चटाई गई है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। जिस अफीम के चलते इन लोगों को ना महंगाई नज़र आती है, ना देश के अंदर की इकोनॉमी नज़र आती है, ना जीडीपी नज़र आता, ना महिलाओं के ऊपर होता हुआ शोषण बलात्कार और अत्याचार नज़र आता। जिन यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं 4 साल बेमिसाल, उसी यूपी के बॉर्डर पर देश का किसान 7 महीने से तैनात है। जिन किसानों को देखने के बजाय उत्तर प्रदेश के रखवाले सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को छोड़कर बंगाल की ओर चुनावी प्रचार में चले जाते हैं। जी बंगाल से आप घूम कर आए, क्या लग रहा है यूपी में कैसा खेला होगा भाजपा? देखिए घूम के नहीं आए हैं, बंगाल कोई कंपनी बाग नहीं है कि वहाँ पर घूम के आएंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके आए हैं हम लोग, समझ रहे हैं। और आपने देखा कि बंगाल जो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि 200 पार, 100 का भी आंकड़ा नहीं छुपाई, हाँ हाँ क्या कर रही है, आपने देखा नहीं क्या बंगाल का रिजल्ट, फिर भी आप हाँ हाँ कर रही हैं। आपने देखा ना कि बंगाल में क्या हालत हुई है बीजेपी की? ग्राउंड रिपोर्ट पे तो बीजेपी 0 है। हम तो ये इस बात से सोच में पड़ गए हैं कि वो 100 सीटें भी कैसे आ गई, समझ रहे हैं आप, वो जो सीटें आई हैं ना जो 100 का भी आंकड़ा नहीं छू पाई बीजेपी, तो वो सीटें भी कैसे आ गई इनके पास में, इस बात से हम परेशान हैं। और अभी देख ही रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में कैसे खलबली मची पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुकुल रॉय हों चाहे उनके बेटे हों, और उनके बेटे अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो आपने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि उनसे सिक्योरिटी छीन ली जा रही है। तो ये जो राजनीति है थोड़ा सा अब गलत लेवल की राजनीति यहाँ पर हो रही है, आप इसे कह सकते हैं कि बदले की राजनीति हो रही है। अच्छा अंधभक्त तो है ना विदेश में, तो मोदी तो जीतेंगे ही ना। एक बात मुझे आप बताइए कि बंगाल इस देश में आता है या नहीं आता? आता है। तो वहाँ पर बीजेपी जीती या हारी है बताइए? हारी है। तो फिर आप एक बात बताइए कि 10-15-20 लोगों से कुछ नहीं होगा। अब इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस देश का यंगस्टर जो बेरोजगार हो चुका है, इस देश के अंदर वो लोग जो महंगाई से परेशान है, इस देश का लेबर, इस देश का मिडिल क्लास परिवार आज परेशान है। और सबसे बड़ी बात वो लोग जो इस बातों को समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर दारू का ठेका खोला जाता है, इस देश के अंदर चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन इस देश के अंदर अगर आप स्कूल खोलने की बात कर दें, विश्वविद्यालय खोलने की बात कर दें, तो सरकार विश्वविद्यालय कभी नहीं खोलती। और अगर आप बात कर रहे हैं यूपी की, तो भैया यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने यूपी को छोड़कर बंगाल में चुनावी प्रचार के लिए पहुंच जाते हैं। अगर वो बंगाल जाने के बजाय यूपी पे ध्यान दिया होता, उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता, तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया होता। वो तो कह ही रहे हैं पोस्टर के माध्यम से 4 साल बेमिसाल, जनता नहीं बोलती बस आ गया। देखिए जनता नहीं बोल रही है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के अंदर जो महिलाओं के साथ अपराध 2016 से 2019 तक, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। ये मैं नहीं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है। और जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल में जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का हिंदू खतरे में है, उसी अगर आप पश्चिम बंगाल के लिटरेसी रेट की बात कर लें तो आप सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल का लिटरेसी रेट है 77.08%, और दूसरी ओर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ का लिटरेसी रेट है 69.72%। तो लिटरेसी रेट में भी आपका उत्तर प्रदेश पीछे है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू खतरे में हों चाहे ना हो, लेकिन पूरे देश के अंदर हिंदुओं के बच्चों की एजुकेशन, उनकी शिक्षा ज़रूर खतरे में है। क्योंकि अगर इस देश के अंदर इस देश का यंगस्टर्स पढ़ेगा तो वो इन बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछेगा, और इनके नेताओं के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप पुलिस की बात करें, क्योंकि आपने बोला ना कि 4 साल बेमिसाल, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास हेलमेट नहीं होता और वो सर पे स्टूल लगाती है, वो भी आपने फुटेज देखी होगी जिसमें पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये नज़ारा यूपी का है, ये तस्वीरें आपको यूपी की हैं। जिन यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं 4 साल बेमिसाल, उसी यूपी के बॉर्डर पर देश का किसान 7 महीने से तैनात है। जिन किसानों को देखने के बजाय उत्तर प्रदेश के रखवाले सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को छोड़कर बंगाल की ओर चुनावी प्रचार में चले जाते हैं, और ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हों को अपनी जात का पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन हनुमान जी की जाति तक बता देते हैं, भगवान जी की जाति बता देते हैं, ये बात भी देश को याद है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, पढ़े इंडिया तो कुछ हो गया इंडिया, लेकिन जब वोट होते हैं तो जनता
जनता तो हिंदू मुस्लिम पर ही देख के वोट देती है ना, कौन राम मंदिर बनवाएगा, कौन मुसलमानों को बाहर। देखिए पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की जो आपने बात करी और दूसरी आपने बात करी राम मंदिर की, तो राम मंदिर को कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, इस देश की न्यायपालिका ने राम मंदिर का समाधान किया है। राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी जब बनाती, जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तीन तलाक का मुद्दा कोर्ट के लाने के बजाय उसको पार्लियामेंट से क्लियर कराती है, ठीक उसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार भगवान श्री राम को कोर्ट में लाने के बजाय उनको पार्लियामेंट में ला के मुद्दा पारित करवाती, क्यों नहीं करवाया आपने? तो राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने नहीं सॉर्ट आउट कराया, इस मुद्दे को सॉर्ट आउट कराया है इस देश के अंदर कोर्ट ने। दूसरी बात, आपने बात करी इस देश के अंदर के लोगों को धर्म और जाति की अफीम चटाई गई है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। जिस अफीम के चलते इन लोगों को ना महंगाई नज़र आती है, ना देश के अंदर की इकोनॉमी नज़र आती है, ना जीडीपी नज़र आता, ना महिलाओं के ऊपर होता हुआ शोषण बलात्कार और अत्याचार नज़र आता, इन्हें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नज़र आते हैं। जबकि आपको ये बात समझनी होगी कि अगर हम हाथी के पेट से जन्म लेते तो हम हाथी होते, एक कुत्ते के पेट से जन्म लेते तो हम कुत्ते होते, लेकिन हम अगर हमने इंसान के पेट से जन्म लिया है तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम मानवता और इंसानियत को सर्वोपरि माने। और आज भी इस 21वीं सदी के भारत में 21st सेंचुरी के इंडिया के अंदर जब हमारे देश की सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे बात करती है तो बड़ा दर्द होता है, जबकि हमें बात करनी चाहिए एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक इंडियन के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर। बाबा रामदेव क्या करेंगे क्योंकि पेट्रोल 100 शतक मार चुका है, 35 लीटर पेट्रोल दिलवा रहे। देखिए आप बाबा रामदेव के पीछे क्यों पड़ जाती हैं लगातार, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। बाबा रामदेव अभी लगातार रिसर्च पे लगे हुए हैं और शायद उनकी रिसर्च इस हद तक पहुंच जाए कि भाई कोई ऐसा फार्मूला निकाल दे, कोई साइंटिफिक फार्मूला कि जिससे शायद पतंजलि का भी कोई गौमूत्र से गाड़ियां चलने लगें। तो क्योंकि बाबा रामदेव तो कह ही रहे थे 30-35 रुपये पेट्रोल दिला ही रहे थे, तो क्या पता पतंजलि के फैक्ट्री में वो इन्वेंशन करने लगे पेट्रोल और डीजल का और सरसों के तेल का भी, क्योंकि सरसों का तेल भी 200 के पार जा रहा है। तो मोदी जी आप इस बात को समझिए कि लोग मंदिर में दिया भी अब कैसे जलाएं, जैसे आप हिंदू धर्म की बात करते थे तो आज शनिवार है तो मंदिर में दीपक भी कैसे जलाएं, क्योंकि मंदिर में दीपक जलाएं या फिर घर के अंदर चूल्हा जलाएं दोनों ही बड़ी समस्या है। तो आपको समझना होगा कि इस देश की जनता को भी समझना होगा, और अब की बार अगर वोट देना होगा तो देश के किसान को याद करते हुए देना होगा, देश के जवानों को याद करते हुए देना होगा। जय हिंद जय भारत। नहीं, आप एक युवा हैं जी, लाला रामदेव कहते हैं कि विकल्प जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरा बड़ा चलना है, मैं न्यू इंडिया बनाऊंगा, तो जो युवा है आपके जैसे हमारे जैसे जी, तो बहकावे में आ जाते हैं क्योंकि विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, आपको क्या विकल्प दिखता है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में आपको डिग्री कौन सी दिखती है? आपने पूछा विकल्प, मैं पूछता हूँ डिग्री बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने आज तक अगर डिग्री देखी हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा तो इस देश के अंदर बहुत सारे विकल्प हैं, अगर विकल्प चाय वाला है तो बहुत सारे चाय वाले हैं, ये बात आप समझती क्यों नहीं, और बेहतर चलाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप डिग्री नहीं दिखा सकते तो चाय वाले की बात है तो बहुत सारे चाय वाले हैं। आपने सुनिए एक मिनट सुनिए, और बात अगर आप करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जब उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी की वैकेंसियां निकलती हैं तो 60% से ज़्यादा पीएचडी होल्डर उसके अंदर वैकेंसियों को फिल करते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर पीएचडी होल्डर को सफाई कर्मचारी की वैकेंसी की जॉब भरनी पड़ रही है। इस देश के अंदर कितने लोग हर साल गटर साफ करते हुए मर जाते हैं, और आप जब फोटो मंगलयान के जरिए जब आप कहते हैं कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि फ़ोटो आप मंगलयान तक भेज सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उन गटरों को मशीन के जरिए साफ़ करवा सकें, आपके पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। और आप ये समझिए कि 133 करोड़ की पॉपुलेशन वाला भारत 98% के इसराइल 98% की पॉपुलेशन वाले इसराइल से हथियार खरीदता है, तो ये आप भारत की तरक्की समझते हैं, भारत का डेवलपमेंट समझते हैं? और जबकि आप देखिए कि इसराइल हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, हमारा देश पहले आज़ाद हुआ, तब भी आज आप देख लीजिए बांग्लादेश की जीडीपी आप देख लीजिए इंडिया की जीडीपी से मैच कर लीजिए। तो जो देश की हालत जो हुई है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ इस देश की सरकारें हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम की अफीम को चटाकर इस देश का बेड़ा गरक कर दिया। और इस बात को इस देश के युवाओं को, यंगस्टर्स को समझना होगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।